क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकंड क्वेश्चन है, आप देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2340 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 - 2 - 1। इसमें भी x और y के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में आता भी है, अगर आ जाएगा तो किए नहीं रहेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा करने में। तो सिंपली इसको देखिए कैसे करते हैं। तो हम लोग क्लास 10th में पढ़े हैं जो एलिमिनेशन मेथड है, बिल ओपन विधि, आप मेरा लेक्चर भी देख सकते हैं क्लास 10th में कि कैसे बिल ओपन विधि। यहाँ पे देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू दिस, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू ये। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि x का कोएफिशिएंट 3 है तो इस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 1 में, और x का कोएफिशिएंट 2 है तो इसका मल्टीप्लाई जो है इक्वेशन 2 में, यानी कि पूरे इक्वेशन में होगा यहाँ पे, ठीक है। इक्वेशन 3 का मल्टीप्लाई अगर इक्वेशन 1 में पूरा करते हैं तो यहाँ पे 3x प्लस 9y, और यहाँ पे जो 3 का मल्टीप्लाई होगा इस पूरे मैट्रिक्स में होगा, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स में होगा 3 का, तो 3 2 6, 3 3 9, 3 2 4 12 ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें मैट्रिक्स 2 में जब मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 2y तो ये मैट्रिक्स आएगा। सिंपली क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे बराबर हो गया 6x 6x, घटा देंगे यहाँ पे 9y - 4y, तो यहाँ पे 9y - 4y 5y हो जाएगा, और ये मैट्रिक्स इसके साथ घट जाएगा, दिस मैट्रिक्स सब्ट्रैक्टेड बाय दिस मैट्रिक्स, यानी कि जो 6 9 12 0 6 9 12 0 घट जाएगा इसके साथ 4 - 4 - 2। इसको हम सॉल्व कर लेंगे राइट हैंड साइड, अब आसान है, मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन पहले बता चुके हैं, तो सिंपली जब लास्ट में हम सॉल्व करके लाएंगे तो 5y इक्वल टू 2 13 14 ये आ जाएगा, तो y की वैल्यू जो है हमारा 2/5 13/5 ये आ जाएगा। तो y की वैल्यू जो है निकल आई, यानी कि y भी एक जो 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स है, तो y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, यहाँ पर रख देंगे समीकरण 1 में, तो y का 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y ये पूरा y है, तो यहाँ पे 3 है, तो यानी कि 3 जो है मल्टीप्लाई होगा हर जगह, तो ये स्केलर का जो मल्टीप्लाई होता है 3 यहाँ पे होगा, 3 9 6/5, 3 यहाँ होगा, 13 3 39/5, 14 3 42/5, 3 9 6, और ये जो है इसका 2x इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, ये इस मैट्रिक्स को उठा के उस साइड ले जाएंगे घट जाएगा, फाइनली इसे सॉल्व कर लेंगे। बहुत आसान है मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जो था उस सारी चीज़ों का यूज हो रहा है, इसीलिए मैं इस पर काफ़ी जोर भी दिया था कि आप एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आएगा तो क्वेश्चन नहीं लग पाएगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे, इसमें वैसा कुछ ज़्यादा इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 12 सब आसान है, 13 आप खुद से प्रयास करिए, उसके बाद नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपकी प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अक्सर एग्ज़ाम में जो आता है वो क्वेश्चन नंबर ये 15 है कि एक मैट्रिक्स ए जो है 201 213 1 - 1 0 दिया है, ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 6i, यहाँ पे 6i जो लिखा है, तो i जो है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इकाई अव्यू जो है, आप देखिए यहाँ पे बताना है मैट्रिक्स से ए स्क्वायर माइनस 5 + 6i का मान बताना है, तो ए स्क्वायर का मतलब है कि ए इंटू ए, यानी कि मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मैट्रिक्स ए 201 213 1 - 1 0 और ये जो है 201 21, ठीक है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमको पता है कि रो टू कॉलम, आप देख लीजिए यहाँ पे वीडियो आप बनाया गया स्पष्ट देखिए, नोट भी करिए, बहुत ज़रूरी है नोट करना तभी क्लियर हो पाएगा। देखिए 2 2 पे पड़ेगा 0 2 पे पड़ेगा और 1 जो है 1 पे पड़ेगा, इस तरह से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है रो टू कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पूरा मैट्रिक्स जो है तैयार हो गया, इसलिए हम बार बार बोल रहे थे कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ए स्क्वायर जो है ये आ गया, यहाँ पे अब हमें बताना है कि ए स्क्वायर माइनस 5 ए + 6i, i जो है यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0
जीरो जीरो वन जीरो 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 वन यानी कि थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर की मैट्रिक्स जो है, ए स्क्वायर हमारा ये आया माइनस फाइव ए यानी कि फाइव का जो मल्टीप्लाई करना है इस पूरे मैट्रिक्स में, ये हमको पता है कि फाइव जो मल्टीप्लाई होगा हर जगह होगा, टू जीरो वन टू वन थ्री वन माइनस वन जीरो प्लस सिक्स आई, सिक्स आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब वन जीरो जीरो ठीक। ए स्क्वायर फाइव को मल्टीप्लाई कर देंगे हर जगह तो फाइव टू जै टेन जीरो फाइव दस पाँच है यहाँ पे ठीक है, सिक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे वो वन में होगा तो सिक्स बाकी सब जीरो यहाँ पे सिक्स जीरो 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 सिक्स ठीक है। तो क्या करेंगे सबसे पहले मैट्रिक्स इसको घटा लेंगे ठीक है, आप चाहें तो ये मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को ऐड करके घटा लीजिए चाहे पहले ही घटा लीजिए, जैसे भी आप सॉल्व करना चाहें तो पहले इन दोनों को घटा लीजिए ठीक है। अब वहाँ पे वो वाला रूल नहीं लगेगा जोड़ घटाना जो भागो जो वाला रूल है, जो पहले भाग पहले गुणा फिर जोड़ घटाना था ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे सिंपली दो मैट्रिक्स को घटा के जो आएगा उसको साथ इस मैट्रिक्स साथ ऐड कर दीजिएगा तो आपका सॉल्व हो जाए। देखिए इसको घटाएं तो फाइव टेन मैट्रिक्स, फाइव को टेन के साथ घटाएंगे तो माइनस फाइव, माइनस वन को जीरो के साथ घटाएंगे तो माइनस जीरो, टू को माइनस फाइव के साथ घटाएंगे तो माइनस थ्री, तो इस तरह से आ गया। तो ये जो आएगा इस मैट्रिक्स के साथ ऐड कर देंगे तो ये हमारा फाइनल, ये देखिए ये जो आया ए स्क्वायर माइनस फाइव है ठीक है। इसी तरह आप सारे क्वेश्चन करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताएंगे जो बाकी क्वेश्चन है नेक्स्ट लेक्चर में।